जीवन के लिए आवश्यक की ऊर्जा और पर्यावरण, बायो एवं हेल्थ केयर और मटेरियल एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए एनालिटिकल उपकरण एवं मेजरमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली क्योटो स्थित जापान की अग्रणी होरिबा लिमिटेड समूह की कंपनी होरिबा इंडिया ने नागपुर के बुट्टीबोरी में आज अपनी अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण एवं कंज्यूमेबल्स विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। सेलिब्रेटिंग हॉर्न मेमन थीम पर आयोजित इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, होरिबा लिमिटेड के चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ अत्युषी होरिबा, होरिबा लिमिटेड जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और होरिबा इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जय हकू और होरिबा लिमिटेड जापान के कॉरपोरेट ऑफिसर और होरिबा इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गौतम उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के बुट्टीबोरी में होरिबा इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों के विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। होरिबा इंडिया होरिबा लिमिटेड की एक समूह कंपनी है जो जापान में स्थित है। ऊर्जा और पर्यावरण, जैव और स्वास्थ्य सेवा सामग्री और सेमीकंडक्टर के 3 मेगा ट्रेंड क्षेत्रों के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण का निर्माण करती है। डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर सुविधाएं स्थापित करने सहित 3 कंपनियों के साथ बातचीत करी है। फडणवीस ने सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अनुकूल नीतियों के बारे में बताते हुए होरिबा के अध्यक्ष को नागपुर में सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि इस प्रस्ताव के लिए अलग से भूमि आरक्षित रखी जाएगी। अतिशय स्टेट ऑफ आर्ट अशा प्रकार मेडिकल डिवाइस निर्माण करण्याचा हा प्लॅन या ठिकाणी आज त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे। माननीय गडकरी साहेब आणि मी या उद्घाटनाला होतो आणि होरिबा कंपनीचे प्रमुख जे आहेत होरिबा सान ते देखील या ठिकाणी होते। जय हकू ज्यांचे प्रेसिडेंट आहेत ते देखील होते आणि मला असं वाटतं की आपल्या विकासामध्ये ही जी काही फॅसिलिटी तयार झाली याकरता महत्त्वाची आहे की भारत हळूहळू मेडिकल डिव्हायसेसचा हब होतो आहे। आता जवळपास $10 बिलियन आपला एक्सपोर्ट सुरू झालेला आहे आणि त्यातनं या अशा फॅसिलिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात मेडिकल डिव्हायसेसची निर्मिती ही या ठिकाणी होणार आहे। आपल्या देशाकरता आणि एक्सपोर्ट करता देखील त्याची एक मोठी फॅसिलिटी निर्माण होणार आहे। त्यासोबत ही जी होरिबा कंपनी आहे जवळपास 29 देशामध्ये ही कंपनी आहे आणि सेमीकंडक्टरमध्ये यांचं मोठं काम आहे। त्यांच्याशी सातत्याने चर्चा आमची चालली होती की सेमीकंडक्टरमध्ये देखील तुम्ही या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करावी। तशा प्रकारे आज त्यांना मी ऑफर देखील दिली आहे की तुमच्याकरता आम्ही लँड ठेवलेली आहे, तुम्ही तुमचं पत्र द्या, आम्ही तुम्हाला ऑफर लेटर देतो आणि त्यांनीही अतिशय पॉझिटिव्हली त्याला रिस्पॉन्ड केलेला आहे। लवकरच त्यांच्याशी आम्ही निगोसिएशन्स करू आणि या ठिकाणी सेमीकंडक्टरच्या करता त्यांची इन्व्हेस्टमेंट येईल असा मला पूर्ण विश्वास आहे। आपली जी पॉलिसी आहे मी असं म्हणतो की देशातली सर्वात चांगली पॉलिसी आहे कारण आम्ही केंद्र सरकारच्या पॉलिसीपेक्षा अधिक काय देता येईल त्याला कॉम्प्लिमेंट कसं करता येईल अशा प्रकारची पॉलिसी तयार केली आहे। त्यामुळे आता 3 मोठ्या कंपन्यांशी आमचं बोलणं चाललेलं आहे या संदर्भात। एकदा ते बोलणं एका स्टेजवर गेलं की मग आपल्याला निश्चितपणे त्याची माहिती देण्यात येईल। वही कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों की विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए होरिबा को धन्यवाद दिया और जापान की तकनीकी प्रगति की सराहना की। गडकरी ने बताया कि नागपुर सुविधा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन के अनुरूप है और यह भारत की सबसे बड़ी चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों विनिर्माण इकाई में से एक होगी। लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ चरणबद्ध तरीके से नागपुर सुविधा पूरे भारत में 30,000 से अधिक डायग्नोस्टिक लैब और अस्पतालों की सेवा करने के लिए तैयार है और यह भारत में होरिबा का 3रा महत्वपूर्ण निवेश है जो टियर 2 शहरों में रोजगार के अवसर पैदा करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। The government is very, very friendly for the development. And I am confident with the people like you who have already the good technology, successful practices in the world. On the basis of that, the huge potential which we have in the country, it really a great thing for me. I am giving my special thanks to Horiba Group, particularly Horiba Ji, chairperson of Horiba Group, Mr. Jay Haku. And the most important thing, the person who is responsible for taking this unit to Nagpur, so Devendra Ji, and my friend Yadu Doshi is here. I am giving my special thanks to both because everywhere we need every project which is going to create more employment potential in this area, which is going to eradicate the poverty of this area. Ultimately, that is the mission for me and Devendra Ji.
And for that reason, I am giving my thanks, best wishes to you, and I am confident in due course of time, this unit will going to have a great, great progress. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।